मित्रों, जब मैं लोकसभा में चुन करके गया था और रामदेव की कृपा से राजस्थान भर के लाखों युवा साथियों, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति के समय से युवाओं से जुड़ा रहा था, लाखों लाख युवा साथियों की ऊर्जा, उनकी प्रेरणा, उनकी शुभकामनाओं की शक्ति और इस जोधपुर संसदीय क्षेत्र के हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्मिक कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं ने आशीर्वाद देकर के जब मुझे लोकसभा में भेजा और लोकसभा में जब मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला था, मुझे अभी मंच पर बैठे बैठे अपना वो क्षण याद आ गया। मैंने लोकसभा में क्योंकि सब लोगों को जब पहली बार अपना मेडल स्पीच देने का अवसर मिलता है वो अपना परिचय कराते हैं और मैंने अपने परिचय का वो भाषण, मुझे सिर्फ 4 मिनट का समय मिला था और मैंने इन शब्दों के साथ में शुरू किया था, तो उस धरती का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस धरती ने 125 करोड़ भारतीयों का सर गर्व के साथ ऊंचा हो सके, जिस धरती ने 125 करोड़ भारतीयों का घर सिर गर्व के साथ ऊंचा होते बम धमाके को अपने अपने गर्भ में समाया था, उस धरती का प्रतिनिधित्व करता हूं। अभी जब पोखरण के विधायक भाई शैतान सिंह जी अपनी बात कह रहे थे तब मुझे और इन्होंने उल्लेख किया था उस कार्यक्रम का, उस दिन का जिस दिन इस कार्यक्रम की रचना हुई थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी काम के लिए मिलने गया था और क्योंकि उन्होंने उस कार्यक्रम के बारे में वो थोड़े ही देर पहले उल्लेख किया था और सहयोग से आदरणीय शैतान सिंह जी उस दिन लोकसभा में मौजूद थे, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जिस पोखरण के निमित्त कार्यक्रम करने का आज आपने सबसे आह्वान किया है वो पोखरण का एक बम दिल्ली में आया हुआ है, लोकसभा में आप कहो तो आपके सामने उसको प्रस्तुत कर दूं। मित्रों, युवा शक्ति सम्मेलन के इस अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष, सामाजिक समरसता के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के अवतार, जन जन के देव, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पीढ़ी परंपरा के वंशज और उन्हीं के परंपरा के ध्वजवाहक श्रद्धेय राव किशोर सिंह साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय राजकुमार देवायु सिंह जी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, जोधपुर और पोखरण का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका इस धरा पर स्वागत करता हूं, इस पुनीत धरा पर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 6 तारीख को जब लोकसभा सत्र का आखिरी दिन था और लोकसभा सत्र के दिन राज्य सत्र के समय सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन बैठक होती है जो संसदीय दल की बैठक इस नाम से जानी जाती है और कुछ लोग उसको मंगलवार को होने के कारण से मंगलवार मीटिंग भी कहते हैं। सत्र का आखिरी दिन था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्र समाप्त होने के कारण से और क्योंकि पिछला सत्र एक विशेष सत्र था, लोकतंत्र की हत्या करने का कुत्सित षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था और पूरे एक भी दिन, सत्र के एक भी दिन एक भी क्षण लोकसभा का कार्यवाही संपन्न नहीं होने दी थी, लेकर के आक्रोश था। देश भर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस आक्रोश के कारण क्रोध से तिलमिला रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन संसदीय दल की बैठक में मार्गदर्शन करते हुए
इस आक्रोश को हम 12 तारीख से प्रकट करेंगे पूरे देश के सामने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामूहिक उपवास करके देश के सामने इस कुत्सित षड्यंत्र को बेनकाब करेगा। 14 तारीख को महामना अंबेडकर की जयंती से लेकर के और आने वाली 5 तारीख तक कल, जब देश भर में लगभग 400 स्थानों पर स्किल डेवलपमेंट और कैरियर फेयर होंगे, उस दिन तक का ये एक बहुत बड़ा 15-20 दिन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। साथ में आर्मिक परीक्षण जो अटल जी ने किया था, उस परीक्षण की महत्ता को शायद उस समय जो 15 साल से कम आयु का व्यक्ति था वो शायद भूल गया होगा, उसको जानकारी नहीं होगी। पूरे देश भर में यह संदेश जाए और हमने जिन इरादों के साथ में, जिस संकल्प के साथ में यह परमाणु धमाका किया था, वो संकल्प को आने वाली पीढ़ी जाने समझे और उस संकल्प को पूरा देश दोहराए। इस निवेदन को देश भर में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और मैं आज इस मंच पर से खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ में राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उसके अध्यक्ष भाई अशोक जी को, प्रभारी निधि शेखर जी को, इनकी सारी टीम को और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सामने बैठे हुए उन सब कार्यकर्ताओं को जो लाखों लाख कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, आप सबका साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भारत जब आजाद हुआ, आजादी से पहले ही भारत में डॉक्टर ओमी गांधी बाबा के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा ने इस बात के लिए उस समय की कांग्रेस को आजादी से पहले 1944 में कांग्रेस को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि भारत को अपना परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। ये वो कालखंड था जब 1945 में पहली बार फ्लोरिडा में जब अमेरिका ने बम परमाणु एटॉमिक बम को टेस्ट किया था, उससे भी एक साल पहले भारत में इस कार्यक्रम की रचना भारत के वैज्ञानिकों ने कर ली थी। डॉक्टर राजा रमन्ना के साथ डॉक्टर ओमी गांगी बाबा ने टाटा फाउंडेशन के साथ मिलकर के गुप्त रूप से अपना कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ कर दिया था। मित्रों, कल्पना कीजिए कि अंग्रेजों के उस जमाने में जब अंग्रेज भारत पर काबिज थे, हम गुलाम थे, लेकिन हमारे देश का एक वैज्ञानिक अपने देश के संसाधनों के साथ में मिलकर के अपने संसाधनों का उपयोग करके और देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आने वाले भारत के भविष्य के लिए वो परमाणु कार्यक्रम की रचना भारत का आरंभ करता है। मित्रों, 1945 में अमेरिका ने पहली बार टेस्ट किया। हम सब जानते हैं, टेक्निकली हम लोगों ने सबसे भी शायद पढ़ा, अगर आज का तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल पर सारी जानकारी मौजूद होती है। परमाणु परीक्षण के जो विभिन्न विधाएं हैं, अमेरिका ने जब पहला परीक्षण किया उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद में उनको अवसर मिल गया, टूट चुका था, युद्ध समाप्ति के कगार पे था। ये जो विश्व शांति की बात करने वाले अमेरिका जैसे देश हैं, जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और इस बाइपोलर विश्व था। रशिया ने भी अपना प्रोग्राम प्रारंभ किया और कुछ दिनों बाद उसी के क्रम में फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने और उसके बाद में 1964 में चीन ने, जब छह देशों ने यह शक्ति हासिल कर ली। 1962 की लड़ाई में भारत जब चाइना से हमारी हार हुई और उन परिस्थितियों के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो डॉक्टर जहांगीर बाबा होमी जहांगीर बाबा ने जो प्रोग्राम शुरू किए थे उस प्रोग्राम को सपोर्ट करना नहीं प्रारंभ किया, और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अनायास किसी भय के कारण से एक बार एक कदम नीचे हट गए। लेकिन जब 62 की लड़ाई के बाद में 65 का युद्ध हुआ और 65 की युद्ध के बाद में भारत ने इस बात के लिए संकल्प किया कि हमको भी इस दिशा में आगे बढ़ना है। उसके बाद 1967 के जून महीने में यूनाइटेड नेशंस में आयरलैंड ने एक प्रस्ताव रखा और फिनलैंड नाम के एक छोटे से देश में उसके ऊपर पहला सिग्नेचर किया कि अब से परमाणु अप्रसार होगा। कोई भी देश, हमने तो ताकत प्राप्त कर ली है, लेकिन अब दुनिया का कोई भी देश जो है वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता।
शक्ति का असंतुलन पैदा करने का काम था। 190 देश आज उसके सिग्नेटरी है, 191 देश सिग्नेटरी थे, केवल नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने अभी जब ब्लास्ट किया उसके बाद जो उससे बात। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हमने ऑपरेशन किया और परीक्षण हुआ और भारत ने उसका नाम मनाया स्माइलिंग बुद्धा, ऐसा नहीं रखा था, इस उद्देश्य के साथ में रखा था कि हम महात्मा बुद्ध की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अपनी शक्ति का संचय करने में हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। और ऑपरेशन बुद्धा का पहली बार इस धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ, लेकिन उस विस्फोट के बाद में भी परीक्षण करते हुए हमको इस बात का परिष्कार करते हुए इस स्थान तक पहुंचना था। गंतव्य हमारा यह था कि अमेरिका ने जो लक्ष्य पूरी दुनिया में अब तक 2054 से ज्यादा बार में परमाणु परीक्षण हुए, जो लक्ष्य अमेरिका ने 1045 विस्फोट करके प्राप्त किया था, जो लक्ष्य रशिया ने 765 बार विस्फोट करके प्राप्त किया था, जो लक्ष्य जर्मनी ने 256 बार विस्फोट करके प्राप्त किया था, और इन देशों ने सैकड़ों सैकड़ों बार प्राप्त करके प्रयास करके प्राप्त किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको एक और धमाके को करने की आवश्यकता थी। एक बार और यदि हम टेस्ट कर लें तो हम सब कम डिवाइस डेवलप कर सकते हैं, हम ऐसी डिवाइस डेवलप कर सकते हैं कि उसके बाद में हमको जमीन पर आकर के परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं, हम प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं और लगातार अपने इस कार्यक्रम को और आगे जारी रख सकते हैं। हद लाके खड़ा करते हैं कि आपकी स्थिति भिखारी के जैसी रहे। मैं दोस्तों 1988 के नेता आदरणीय अटल जी ने हुंकार भरे, उस सभी हृदय वाले व्यक्ति ने अपने कवि हृदय के साथ साथ में जो मजबूत इरादे हैं इस देश को आगे बढ़ाने की जो क्षमता है और इस देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है और किसी के सामने नहीं झुकने की जो हमारे विचार परिवार की जो ट्रेनिंग है उसको एक बार फिर सुना कि उन्होंने उस दिन यहाँ खड़े होकर सबसे दोपहर में यहाँ खड़े होकर के और वो धमाका किया। अमेरिका को इस बात की आशंका थी जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन बना था, लगातार वो भारत के ऊपर इस बात के लिए बात कर रहे थे, अमेरिका इस बात का दंभ भरता था कि एक स्क्वायर मीटर तक होने वाली जमीनी हलचल को मैं पूरी दुनिया में अपने सैटेलाइट के माध्यम से भाप सकता हूं, एक स्क्वायर मीटर तक होने वाली जमीन पर कोई भी हलचल को कि आप अपने घर से बाहर निकल करके गाय को जब धोने वाली मां बछड़े को खींच करके और जब भूखे को बांधती है और धोने के लिए जाती है वो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है। उस सैटेलाइट का दंभ रखने वाले अमेरिका को, जो अमेरिका की सीआईए इस बात का दंभ भरती थी कि हम पूरी दुनिया में होने वाली किसी भी गतिविधि को अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता कर सकते हैं, लगातार सीरीज में 5 के हमने विस्फोट किए, वो 5 विस्फोट अनाया सुबह में विस्फोट नहीं थे, वो 5 विस्फोट डिफरेंट कैटेगरी में हमने अपनी अपनी डिवाइस की कैपेसिटी को सप्लाई करते हुए सब टन कैपेसिटी को अर्जित किया और उनके नाम जो रखे थे, समय की सीमितता में सारे नामों की विवेचना नहीं करना चाहता, लेकिन अंतिम डिवाइस हम एक और धमाका कर सकते थे और उस बम का नाम रखा था कुंभकर्ण। वो 6 महीने तक सोता रहे और वे तो 6 महीने बाद में, क्योंकि अब हमको धमाका करने की आवश्यकता नहीं है, हम लेबोरेटरी में धमाका करके और परमाणु के अपने परीक्षण परमाणु शक्ति के परीक्षण को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। कुंभकर्ण को हमने वापस निकाल करके 108 में रखते, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो और चाहे वो म्यांमार हो, छोटे छोटे सारे देश, इन देशों को हमने हमेशा बड़े भाई की तरह संरक्षण प्रदान किया है। उनको यह जो चीन की विस्तारवादी नीति है और जो पाकिस्तान की जो नीति है, वो नीति के बारे में ज्यादा बात मैं आज इस मंच से नहीं करना चाहता, इस पवित्र धरती पर मैं उस देश का नाम लेना भी अपने आप में अपराध समझता हूँ। उनके सारे कुछ षड्यंत्र, उनके दुर्ग जो गिरा देते, उनकी जो दुर्विसंधि थे वो 1998 में उनसे विराम लगा और 1998 के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि इस एशिया महाद्वीप में कभी कोई देश कोई भी ताकत भारत पर हमला नहीं कर सकती। मित्रों, हमने ताकत अर्जित की, हमने शक्ति अर्जित की, लेकिन साथ ही साथ में इस संकल्प के साथ में अर्जित की कि हम ये शक्ति कभी भी अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग पहले नहीं करेंगे, हम किसी भी देश के विरुद्ध पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि हम तो उस परंपरा के व्यक्ति हैं जिस परंपरा में युद्ध लड़ते हुए भी नीली और
कैसा जहां जिस देश का सिद्धांत था, कैसी जिस देश की परिपाटी थी। आदरणीय अटल जी ने लोकसभा में भाषण देते हुए उस दिन कहा कि हमने शक्ति अर्जित की, और मैं सम्मान के साथ में कहता हूं कि हमने शक्ति अर्जित की है, लेकिन हम कभी भी ऐसे किसी देश के खिलाफ इस शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे जिसके पास में परमाणु शक्ति नहीं।